अच्छा, आप लोग जरा अपने किरदारों के बारे में हमें बता दीजिए कि बद्रीनाथ में संजीव मिश्रा और इसमें मैडम क्या भूमिका निभा रही हैं? मैं एक मुसलमान कैरेक्टर में हूँ और सर पंडित हैं, तो अच्छा लग रहा था काम करके और स्टोरी बहुत अच्छी है। सब अभी बता दूंगी तो देखने क्या जाएंगे आप लोग। अच्छा संजीव जी, इन्होंने जैसा कि बताया आप एक ब्राह्मण लड़के के किरदार में हैं, चांदनी जी एक मुस्लिम लड़की के किरदार में हैं। भोजपुरी में अक्सर ये सवाल उठता रहता है, दर्शक भी पूछते हैं कि असल में यही एक फॉर्मूला आप लोगों के पास बचा है जिसे लेकर लड़की मुस्लिम होगी, लड़का हिंदू होगा या ब्राह्मण होगा। मैं एक मिनट आपके सवाल को रोकना चाहूँगा कि आप लोगों के पास यही एक फॉर्मूला नहीं, आप लोगों के पास नहीं ये, चूंकि क्या होता है कि जो सिनेमा बनती है ना वो निर्देशक की सोच होती है और एक निर्देशक जैसे एक पिता अपने बच्चे को पालता है, इस तरीके से एक निर्देशक जो होता है, जो निर्देशक है तो निर्देशक की कहानी की कल्पना करता है, वो मतलब किसी रियल घटना पे आधारित है या उनकी कल्पना है पूरी, तो वो एक सोचता है, एक सोच को डेवलप करता है, कहानी बनाता है, किरदार को जन्म देता है और वो एक पूरा ताना बाना सुन करके एक दुनिया, सिनेमा का मतलब होता है कि एक अलग दुनिया हम क्रिएट करते हैं जो दर्शक को हम अपने सिनेमा के थ्रू मैसेज देते हैं या कुछ मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी कल्पना है। अब कई सारे लोगों की जो कल्पनाएँ हैं, जैसे आपने देखी होंगी कि हिंदू मुस्लिम पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, आज से नहीं बन रही, 50 साल से हिंदू मुस्लिम पर फिल्में बन रही हैं। आप बॉलीवुड ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हर लैंग्वेज में आपको हिंदू मुस्लिम का सेम पैटर्न मिलेगा, बट बिना सिनेमा को देखे हुए, बिना सिनेमा को जाने हुए अगर आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है। आप नहीं जानते हैं कि सिनेमा की कहानी पटकथा क्या है और सिनेमा क्या कहना चाह रही है, हमने क्या बनाया है। आपने चूंकि सुना कि हिंदू मुस्लिम की प्रेम कहानी है, हर घर में माँ बाप ही होते हैं और भाई बहन ही होते हैं, लेकिन हर घर एक दूसरे घर से अलग है। आप एक मोहल्ले में रहते हैं तो 500 घर होते हैं, लेकिन 500 घर में सब घर में माँ बाप भाई बहन ही होते हैं। आप यही देखेंगे ना, रिश्ते तो लिमिटेड ही होते हैं ना, लेकिन उनके जीने का तरीका अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है। हर साल में 2000 फिल्में बनती है, लेकिन हर 2000 फिल्में एक दूसरे से अलग हैं, सब में प्रेम कहानी है, सब में वियोग है ना, यही चीजें हैं जो हम दिखाते हैं। अब मैं पूछूं, मेरा मतलब है आप लोगों से, मतलब है इंडस्ट्री से। ऐसी ही एक फिल्म आई थी खेसारी लाल यादव जी की, जिसका नाम पहले बाबरी मस्जिद रखा गया था, बाद में उस फिल्म में सेंसर में इतने सारे कट्स मारे कि फिल्म का नाम बदला और भी बहुत कुछ बदला। आपको नहीं लगता कि आपकी फिल्म पर भी सेंसर की कैंची चल सकती है? अब ये इसका मैं पहले से कैसे वो कर दूं आपको, है ना, पहले से ये बात को मैं कैसे बता सकता हूँ कि सेंसर किस पे कैंची लगाएगा किस पे नहीं लगाएगा, और सेंसर ने बाबरी मस्जिद पे लगाया तो क्यों लगाया, उसके रीजन क्या थे। सेंसर की भी अपनी एक लिमिटेशन है, एक मरे जिसके अंदर वो काम करती है, उनके नॉर्म्स हैं, उनके रूल रेगुलेशन है, ठीक है, कितने हद में उन्हें रखना चाहिए कितने हद में नहीं रखना चाहिए। हमारे जो निर्देशक हैं वो ऑलरेडी एक मतलब फिल्में कर चुके हैं, है ना, टीवी से बहुत लंबा उनका रिश्ता है, तो सेंसर बोर्ड को जानते हैं, पता है कि कौन से सीन पे कैंची चलेगी कौन से सीन पे नहीं चलेगी। बहरहाल ये सब चीज़ें उनके जहन में नहीं है अभी, वो एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहते हैं। आप ये सोचेंगे कि कल क्या होगा हम आज वो ना करें, परसों क्या होगा हम आज ना करें, एक अच्छा सिनेमा बनाएंगे, सेंसर बाद में होता है, पहले हम एक अच्छी सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी सिनेमा बनाई है, हमें मौका मिला काम करने का, हमने अपनी तरफ से 100% काम किया, उसके अंदर मेहनत की है, अब हम चाहेंगे कि पब्लिक इसे देखे और अपना प्यार दे। अच्छा, आप ये अगर इसमें किसी समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं या किसी समुदाय को बुरी लगती है कि उन पर हार्ड हिट है या उनके समुदाय को लेकर बातें कही गई हैं या वो ऐसा अज्यूम करते हैं, तो उन्हें आप कैसे सफाई देंगे? उन्हें सफाई हम ऐसे देंगे कि जो निर्देशक ने बनाया है किस समुदाय को ठेस पहुंचेगा किस समुदाय को ठेस नहीं पहुंचेगा, ये पूर्वानुमान हम अभी लगा नहीं सकते हैं, है ना। तो अभी पूर्वानुमान नहीं लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की हिंदू मतलब समुदाय को ठेस पहुंचेगा या मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचेगा, ठीक है, हमने ये चूंकि हिंदू मुस्लिम जहां भी आता है एक विवादित मुद्दा बन जाता है, और चूंकि हम इस नज़रिए से विवादित नज़रिए से देखते ही हैं इसको, है ना, चूंकि ये नज़रिया हमने डेवलप किया है, है ना, चूंकि आप एक हिंदू हैं तो आप जो कोई मुसलमान होगा तो दोनों एक दूसरे के, हमने एक परिभाषा जन्म दे दी है कि हिंदू मुस्लिम हुआ तो एक विवादित मुद्दा हो गया, एक विवादित एक आम धारणा बन गई है, सोच बन गई है, बन नहीं गई है, एक एक इसे हमने ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया है। अच्छा, परसेप्शन बना लिया, परसेप्शन नहीं, ये रियलिटी आज की डेट में परसेप्शन नहीं बोलेंगे, लोगों ने एक ऐसी धारणा नहीं इसको, मतलब समझ लीजिए, क्या बोलूं मैं आपको, मेरे पास वो शब्द नहीं मिल रहा है जिस शब्द से मैं आपको डिफाइन करूं, लेकिन लोगों ने एक तरीके से रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा चांदनी जी से पूछ लेता हूँ, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, ये दूसरी तरफ देखना इन्होंने शुरू कर दिया था। चांदनी जी, जरा हम खेसारी जी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बताया कि खेसारी लाल मिले दुनिया बदल गई फिल्मों में, उसके बाद आपको एल्बम में पहचान मिली, अब आपको संजीव जी के साथ आप फिल्मों में आ रहे हो, मतलब आप एल्बम से आगे बल्कि हीरोइन बन गई,
कुछ अपने आप में बदलाव महसूस किया है, करती हैं, या बदलाव कोई किया हीरोइन बनने के लिए? मतलब जी, आपने हीरोइन बनने के लिए कोई खास तैयारी की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इस लाइन में आऊंगी। ये सब मेरे साथ अचानक से हुआ, मतलब एक एक्सीडेंट की तरह हुआ। ये कह सकते हैं क्योंकि कभी भी नहीं सोची थी कि नहीं मैं इस लाइन में आऊंगी या मैं हीरोइन बनूंगी या फिर मैं बचपन से डांस सीख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं जो भी सीखी इस लाइन में आने के बाद ही सीखी। मैं डांस भी टीवी में ही देख के जो करती थी सीखती थी, तो ऐसा क्लास वगैरह नहीं की थी। अच्छा, आपने मैंने सुना अभी पवन सिंह के साथ भी गाना किया है कुछ, जरा उसके बारे में बताइए। पवन जी भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। हाँ, बोलबम का सॉन्ग की हूँ और बहुत अच्छा लगा पवन सर के साथ काम करके, और मैं करना भी चाहती थी उनके साथ काम काफ़ी टाइम से, अभी मौका मिला तो की। अच्छा संजीव जी, इनकी जो इमेज है एक हॉट एक्ट्रेस के तौर पे, जहाँ तक मैंने जो गाने देखे हॉट एक्ट्रेस के तौर पे देखी गई है, आपको इनका जो ये हॉट अवतार है, ग्लैमरस अवतार है, वो आपकी फिल्म में कितना दिखेगा? हॉट अवतार नहीं बोल सकते हैं वो, चूँकि हॉट अवतार के लिए इनका जो है, एक मिनट, चूँकि हॉट अवतार नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोई इनका अवतार या कोई इनको जन्म नहीं दे रहे हैं, चूँकि ये कलाकार हैं, अपना काम करती हैं। हर कलाकार का एक अपना काम करने का तरीका होता है और जिस कलाकार के नसीब में जो काम जाता है वो मिलता है। तो ऐसा भी नहीं कि इनके हॉट ट्रेंड बन चुका है या हॉट केक हैं या कोई हॉट इमेज है। ऐसा कोई नाम देना ठीक नहीं होगा शायद। तो ये कलाकार हैं और आप चूँकि आप आज एक समाचार इंडस्ट्री में हैं, आज आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से जुड़े हुए हैं, कल आप किसी और कंपनी में जाएंगे, परसों आप किसी और कंपनी में जाएंगे, तो ये आपका काम है। इसी तरीके से ये अगर कलाकार हैं, मैं अगर कलाकार हूँ, तो ये हमारा काम है। कोई अगर हमें काम ऑफर करता है जो काम हमें अच्छा लगता है, अब हम पहले से ही उसको सर्टिफिकेट में अगर कन्वर्ट कर दें तो वो गलत हो जाएगा। इमेज में बांधना शायद एक ठीक नहीं होगा हमारी, चूँकि क्या होता है, मैं आपको एक बात और इस पर डालना चाहूँगा, चूँकि मैं इस पर आपको प्रकाश डाल दूँ, चूँकि हमारे यहाँ पत्रकारिता नहीं होती होगी, चाहे आपको पता होगा, चूँकि मैं खुद भी एक पत्रकार हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है ना, आई हैव डन मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, तो हमारे यहाँ पत्रकारिता नहीं होती है। तो लोग जो परसेप्शन बनाते हैं उसी को रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये गलत है। आप किसी को धारणा नहीं दे सकते हैं कि वो हॉट है वो हॉट नहीं है। जो कलाकार काम कर रहा है वो अपने आप में ही हॉट है, तभी वो काम कर रहा है, तभी वो जैसे रोल्स मिलेंगे उस हिसाब से वो करता जाएगा। परसेप्शन बनाना, चूंकि वो उसका व्यवसाय है, चूंकि उसका काम है, उसका प्रोफेशन है। आप अगर लॉयर हैं तो आप नहीं बोलेंगे ना कि हम मर्डर का केस नहीं लड़ेंगे, आप तो लॉयर हैं, तो आपके पास जो केस आएगा आप उसके लिए करेंगे ना। हमारे पास अगर कोई रोल आता है, चाहे वो हॉट रोल हो चाहे वो हॉट नहीं हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दे पे बने या सामाजिक मुद्दे पे नहीं बने, चूँकि हम निर्देशक या निर्माता को, उनकी एक सोच है, निर्देशक निर्माता से बात करते हैं, वो एक फिल्म की कल्पना या फिल्म की स्टार्ट करते हैं, तो एक फिल्म को सोच रखते हैं ना, तो वहाँ से वो बीज डालते हैं तो एक पेड़ बनता है। अब वो जैसा बीज, जैसी उनकी सोच है, जैसा वो सिनेमा बनाना चाह रहे हैं, हर सिनेमा का एक अलग रूप होता है, हर तरीके के कंज्यूमर हैं, मतलब कंज्यूमर का मतलब दर्शक हैं, तो हर दर्शक हर तरीके की चीज़ों को देख, अगली फिल्म में अगर ये एक्शन करते हुए दिखाई जाए तो उन्हें एक्शन कोई ना कहा जाए। आप सिनेमा के ऊपर बात करिए, आप किसी को एक टैगलाइन मत दीजिए, क्योंकि टैगलाइन देना होता है मतलब आप एक जज हो गए, आपने थप्पा ठोक दिया कि भैया आप हॉट केक हो गए, आप हॉट क्यून हो गई हैं, और आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। देखिए, आपको मैं एक बात और बताऊं, चूँकि आप पत्रकारिता करते हैं और बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आपको पता है कि एक पॉर्न स्टार को एक्सेप्ट किया गया ना एक अच्छे कलाकार के रूप में, आज उनकी एक एडल्ट फिल्मों का स्टार कहा गया, रेस्पेक्टेड इमेज बनी ना, तो चूंकि क्या होता है, ये पब्लिक होती है, ये किसको कब उठाती है कब गिराती है, उन्हें क्या पसंद आता है, तो लेट देम डिसाइड ना, उन्हें डिसाइड करने देते हैं।